गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू डी अनदर ब्लॉग। और सुना दो कैसे सही भाई। तो भाइयों, आज हम आए हैं दिल्ली, क्योंकि हमारा आ रहा है भाई नाई जी जैसे, लेकिन वो काला नहीं है। नहीं नहीं, जहाँ तेरे कजन एंड सिस्टर्स। हाँ जहाँ भाई मेरे भाई लोग रहते हैं ना, वहाँ से आ रहा। मैंने उससे कह दी छोड़ दो, बहुत बदतमीजी कर रहा था, मैंने उसे वहाँ भेज दिया। तो भाई ना उसे लेने आए हैं, लेकिन उससे पहले हमने सोची कुछ खा लेते हैं। कहन भाई को बहुत अच्छे लगते हैं यहाँ पे दशरथपुरी के वो छोले कुलचे, तो हम छोले कुलचे आए, लेकिन कोई है नहीं। कहन भाई की बहुत बेकार किस्मत है भाइयों, ठीक है। तो अब हम जा रहे हैं, सोचे कुछ और क्या खाना भाइयों, बता दो। नहीं पागल है क्या? तो भाइयों अब हम ना थोड़े मतलब कुछ अच्छी अलग अच्छी सी जगह जा रहे हैं, छोले खाएंगे उसके अमर क्या। चलो भाइयों, तो भाइयों चलो हम छोले भटूरे खाने जा रहे हैं, ठीक है भाइयों, और करते हैं उसके बाद आपसे बात। चलो रुक जाओ। तो भाइयों कोई नहीं मिला, तो हम आ चुके हैं जनकपुरी, ठीक है, बहुत फेमस है, ठीक है। ये खड़े देखो लाइन में लग रहे हैं, ऐसा लग रहा। हाँ भैया, करण भाई खाओगे? दो प्लेट बता दी मैंने पहली। सही नितिन भाई, पहली बार, पहली बार नितिन भाई पहली बार खा रहे हैं, करण भाई ने खा रखे हैं दो भाई। देखो मजबूर बनाता भाई, ऐसी बात नहीं, ठीक है। तो अभी जरा हैं, हाँ तिलक नगर भाई, तिलक नगर की बात कर रहे थे। तिलक नगर हम जा नहीं पाए थोड़ा सा, अभी हमारा एक दोस्त आ रहा है नागर, ठीक है, बहुत खास फ्रेंड है, मैं उससे मिलवाऊंगा तुम्हें अभी जरा, उसकी चकन करवाऊंगा, ठीक है। रुक जाओ भाई जरा, दो इतने हम जरा खाने पे वो करते हैं थोड़ा सा, वो करते देखना अभी जरा तुम कैसा करेगा वो। देख लो भाई ऋतिक भाई तड़प गए थे इसके लिए, बहुत दिन हो गए थे, बहुत दिन हो गए, रोज पीटा रहे हैं। मट्ठा कैसा? हर एक चीज़ का टेस्ट बताइए, रिव्यू बताइए कैसा मट्ठा। चलो फूड ब्लॉगर बन जाऊँ मैं आज। तो आइए आप यहाँ पे, और ये जनकपुरी पे देखिए भीड़ कितनी सारी हो रही है, और ये मट्ठा देखिए पीते हुए ऐसे लग रहे हैं जैसे क्या ही बताएं बस। चलो लेकिन सही है, ये नींबू उसका ऐड कर रहे हैं भाई, बिकार ही कहते हैं मेरे भाई। तू तो घर से बिना निकला अभी? देखो नागर से बात कर रहा, क्या क्या हाल है नागर भाई, सीरियसली हो रहे हो, एटीट्यूड देख रहे हो तुम, मैंने पहले बताई थी। एक मिनट हो गया भाई, बिजनेसमैन है ये बहुत बड़े, अभी बात करेंगे, देखना इसकी खिलंदरी दिखाऊंगा अभी तुम्हें। मेरी क्या दिखाएगा? ओ कंगले, ओ कंगले, कंगले भाई, भाई ऐसा ना इसका ना स्क्रैप का काम है, मतलब कवाड़ी का, बहुत कैड़ा काम है कवाड़ी का इसका। वहाँ निकला गाड़ी पाल तैयार कर लो, आ जाएगी, ठीक है भाई। ओ एक गाड़ी साले कूड़े की, रोज गाड़ी भर के जावे हमारे पास। अरे ये नहीं खाता कुछ भी, अभी देखेंगे इसे, बाहर का बंद कर रखा है। ओ भाई ये देख रहे हो, अभी अभी दिखाऊंगा तुम्हें से खाता भाई, रुक जाओ। देखो आते काम चालू कर देना इनने, अब देखो यहाँ पे बात कर रहा है, कह रहा जनरेटर देखने जाना है इसे, वो स्क्रैप में पड़ा होगा। तो अब देखो इसकी तुम्हें चकन दिखाऊंगा, ठीक है, वो तो खा रहे हैं पीछे, हम यहाँ रहे हैं, रुक जाओ। ये कहाँ लिया आया इसे? ठाना भाई, ये ठाना यू दिख नहीं रहा होगा तुम्हें, नहीं है कोई आ रहा हो तो गया देखने से जनरेटर। कह सकते भाई रिव्यू कैसे दोगे इन्हों बताओ, कि आप जनकपुरी पे आइए और यहाँ के टेस्ट करिए। वो तुम्हारा काम है, मैं तो इतना पूछना अच्छा है नहीं, इनकी तारीफ के पैसे, इन्होंने मुझे पैसे दिए तारीफ करने का। कैसा करन भाई, बढ़िया? चलो भाई ये तो हम भी खा लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं। अभी तो नागर आएगा, खाएगा मना कर रहा था, खाएगा जरूर वो, चलो खा लेते हैं उसके बाद बात करते हैं। देखना भाई अभी वो खाएगा गारंटी से, ये बचा रखा इसने कुलचा उसने अलग अलग। खाना नहीं पड़ा, जिसे खाना हो जिसे नहीं खाना हो तो खाते ही नहीं है भाई, सही बात। चलो ऐसा कर लो, अभी सारे खाना वीडियो बन जाते। हाँ ना नहीं क्या एल्विस से भाई, एल्विस यादव से मिलवाने वाला सिर्फ यही है हमारा भाई नागर। यूँ कह रहा कहते तू घर पे गया, कौन से घर पे भाई हूँ बताओ, मैं एक घर पे गया हूँ सिर्फ भाई, उसका पुराना घर है। हाँ तू गया होगा? हाँ भाई बिल्कुल गया, एक फोटो दिखा रहे चल। फोटो नहीं है भाई के साथ, अरे भाई के साथ नहीं, उसके घर की दिखा दे। घर की फोटो तो नहीं है भाई, घर की तेरे पास फोन नहीं होगा अभी? हाँ नहीं फोन है मेरे पास यार भाई, सबसे बड़ी बात है
एल्विस भाई का सीधे हाथ पे घर पड़ता है और उल्टे हाथ पे मशहूर तम्बाकू की दुकान है। ये क्या उसके का तम्बाकू मिलता है? ये क्या बता रहा है भाई? ये तो बकचोद है, बता रहा हूँ ये तो बकचोद है। मैं वही से तम्बाकू लेके आता। मैं तुम्हें क्या ही बताऊँ, मैं तो मैगी बनवा ली, इतने मैंने ये बकचोदी करा, इतने मैगी बनवाए थे। चल भाई सही है, कर तू भाई, तेरा टाइम है। इसकी बात को दिल का मत लेना बिल्कुल भी, लोग में सुन के भाई ये दिल खुला आदमी है। देख रहे हो टसन, इसका एटीट्यूड जो है ना वो बहुत अमीर रहीस लोग जो होते हैं ये है भी। चलो कोई नहीं, करते हैं जरा खाने, खाने के बाद निकलते हैं, मनु को ले जाना, उसके बाद वहीं ब्लॉग बनाऊंगा मैं अब। ठीक है चलो, ठीक है नागर भाई, भाई यहाँ के पैसे हो रहे दे देना। बिल्कुल दे रही भाई, आज नागर पैसे दे रहा तुम, मैं क्या बता दूं बस। 110 तो पेटीएम भी चला रहे तू? चलो भाई समझ लो भाई, मैं कह रहा हूँ इससे ज्यादा तो मैं ही होऊंगा, आज नागर पैसे दे रहा। बहुत, तो। बहुत ही ज्यादा ध्यान रखियो करण, हो सकता था ना अब भी ना चले उसका फोन। ए भगवान दुआ करो बस ये पैसे दे दे, चल जा है, चल नहीं रहा, नेट दे दूंगा तुझे मैं, टेंशन ना ले, तेरा पेटीएम अपने मैं खुलवा दूंगा, जो चाहे तू वो कर लियो। ठीक है देखो भाइयों, कुमार चौरसिया बैड नागर है क्या अंकल जी, यार नागर है क्या भाई? ये ना नोएडा से ना एक की ना वो छीन के लाया था हैरियर, इससे एक बार नुबुल चला नहीं आ रहा गाड़ी इसे हाथ बुरा लग रहा है तो बता दें। चल भाई कोई दिक्कत नहीं, चल रहे हैं अब तो हम। ठीक है नागर भाई, जय बाबा की भाई, जय बाबा की भाई। ठीक है मेरे भाई, हर हर महादेव, जय बाबा की। चलो भाई नवीन भाई मेरी बात, तो हम निकल गए हैं मेरी बात। नागर हमारा प्यारा भाई है, बढ़िया अच्छा भाई है, लौंडा लॉर्ड, ठीक है लाडला। ठीक है तो हम निकल गए हैं और अब हम जाएंगे, मतलब कहीं पहले टाइम काटेंगे क्योंकि बहुत देर है उसको आने में, 2 घंटे हैं, तो अभी थोड़ा बहुत यहीं ऐसी उधर उधर घूम घाम के उसके बाद गाड़ी लगा के सो मैं। तेरी कसम कहीं सोएगा ये तो भाइयों, कहीं भी सो जा बस में यूं टक्कर मारता हूँ सीधा, तुम्हारी कसम इसकी तो सब चीज भारी हो जा तेरी। तो अब हम जा रहे हैं और करते हैं बात आपसे एयरपोर्ट पे जाके। लोहित ने गाने सुनो सीधे भाई, देखना अब मैं नू कह रहा हूँ हाय हाय, G20 की वो है भाई, ये उससे स्क्रीनशॉट लेके भेजते ना, अभी पता नहीं कितनी गाड़ियां निकली है ऋतिक है, कम से कम निकली आई का और आ रहा काफी ला है, पूरी मिलिट्री है भाई तुम्हारे साथ, हाइट का कमांडो है, मिलिट्री भी ना है तो भाई, तो कमांडो है भाई तुम्हारी कसम, मैं कह रहा हूँ अभी तो बहुत निकल गए, मजबूत भाई मजबूत भाई। मैं कह रहा हूँ ऐसी ऐसी गाड़ी जा रही है ना, हटो बचो, ये G20 की वजह से एक तो जाम बहुत लग रहा है, पर हाँ ये है कि जिसका भी काफिला जा रहा है ना ऐसा जा रहा, मैं कह रहा हूँ दिखाने लायक हमारे मोदी का काफिला निकलेगा ना, ऐसो तुम्हारी का समझ हो सिस्टम ही बाढ़ देना, दिखता है जगह एसपीजी कमांडो दिखते हैं जो बात है। अच्छा हमारे कहन भाई का निकलेगा तो पीछे बस कुत्ते कुत्ते चलेंगे, एक और आ रहा है, एक और आ रहा है, एक और आ रहा है, ये जा रहा है, देख लो भाई हमारी सारी देखना ऐसो सब BMW है ये वाली, सॉरी नहीं टोटल भाई मजबूत, ये BMW बड़ी सेक्सी लग रही, कौन सी है पता नहीं भाई, ये नई निकलवाई है, पता नहीं भाई सब डेलीगेट्स के लिए सब नई निकलवाई है, हां हो सकता है, चलो अच्छी बात है, अरे अच्छी बात है भाई कर रहा है, कम से कम देश में नाम तो होगा भाई। भाइयों देखो सबका काफिला अच्छी बात है, और मैं आपको एक बात बताऊं ना, जो पाकिस्तान का वो है ना प्रेसिडेंट, वो पता किस में आएगा, पंच में, टाटा पंच, पंच में ना रहा वो, तो? जिसमें एस्प्रेसो ओमने ना होती, ओमने जिसमें लूट लगे, ये चलेंगे उसके आगे बैठेंगे एस्प्रेसो पे, जहां देंगे वहां पता ही नहीं, लगातार देख लगातार देखना, आप साथ देखना अच्छा ये मोबाइल जा रहे हैं सुन, ये है क्या आदमी अपने आप ही भग जाएगा भाई, ये हिल जाएगा पूरे कमांडो ही बस भर के जा रही है तुम्हारी कसम, यार हम फंस गए हैं ऋतिक, हम वापसी आ रहे हैं, बहुत जाम है,
मोड़ेंगे टाइम ही तो काटना है ना, ऐसा कर लो। चलो भाई ये टाइम काट लेते हैं इतने थोड़ा सा। लो भाई कुछ क्या, भाई कुछ कहना चाहते हैं? टिक भाई बताओ क्या राउंड देख, अपना क्या, अपना बिजनेसमैन आदमी है। अच्छा गाड़ी उठाते हैं भाई, इधर से उधर काम करते तो घूमते हैं, कोई फ्री में थोड़ी ठाली घूम रहे हैं। भाई मैं कह रहा हूँ एक डिस्पोजल गिलास तक नहीं बेगा तक हमने, जिसमें भी हमें मुनाफा हुआ। एक बात बता, जो चल रहा है अपना तारा सितारा कैसा चल रहा? तारा गुटका मजबूत चल रहा है भाई, तारा पान मसाला खाओ भाई, तारा सितारा बन जाओ। वो भूल गया तू, जो दे रखा था क्या कहते हैं आगे वाला घर जो रेंट पे दे रखा हमने, वो तो याद ही मत दिला साले, वो तो पैसे ही बहुत उससे दे रहे यार, दो लाख रुपए पर महीने रखा। जबकि इतना बड़ा आदमी होके भी वो ठीक है, वो उसका क्या कहते हैं पीएम का चपरासी है। भाइयों मैं कह रहा हूँ हम आ चुके टाइम काटने एमबीएस मॉल में। जिस दिन मैंने किराए पे दिया था ना ठीक है, उस दिन से मैं कर्जे में हूँ भाई, तो इसमें किराए पे दुकान भी नहीं ले सकता। ट्रेंड से देख भाई, ट्रेंड देख, ट्रेंड ही बदला हुआ, तू कौन से ट्रेंड जा रहा तो पहले ट्रेंड तो चल रहे, जब कह रहा है आओ चलो भाई ये ट्रेंड चल लेते हैं। ओए एचएम एचएम हुड्डा मॉल, हुड्डा एंड मॉल में आ चुके हैं हम भाई, ये एमबीएंस मॉल है, ट्रेंड्स आ गए हैं। करण के राज में कॉफी नहीं पी तो क्या पिया, ये बात तो सच है। मेरा राज पास कुछ ना भाई, ये राज तो आने वाला है, उसकी शुरुआत कर दे चल आज ही से ही भाई। भाई मैं तो कह रहा हूँ एक गंजा हमारे साथ लिफ्ट में आ गया भाई, उसकी टाट पर पप्पी करने को तैयार यार। चले चलो चलो भाई हम ट्रेंड मिलाने का ट्रेंड जा रहे हैं भाई, कह रहे हैं ठीक है उसके बाद बात करते हैं आप। अरे भाई स्टार बक्स आ गए तो पहले स्टार बक्स जा रहे हैं पहले, रहने दो खाया कुछ, इतना पैसा बर्बाद कर रहे हो तुम, तुम्हारे पास पैसा आए तो कभी पैसे पर रबड़ बांधी हमने, पैसे पैसे पर रबड़ बांधी कभी, पैसा ही ना रहा तो इसलिए रबड़ भाई, ये पैसे ना रहा क्योंकि हर किसी से पेटीएम मांगे हैं ना ये उधार। मेरी सिर्फ नॉर्मल कोल्ड कॉफी और कुछ नहीं। हाँ कौन सा कप देखना, कौन सा कप चाहिए तेरे को यार? ये देखना ब्लैक पर, ये दो ही रखे हैं, छह का सेट नहीं है इनका, छह कप नहीं है इनका, अच्छा छह का सेट चाहिए पूरा, छह का सेट चाहिए, एक ही हजार रुपये का क्या हो गया, छह हजार रुपये ये कुछ कितने दिन हो गए एक साथ देखे हुए तुझे, कहीं भी जाएंगे कहीं भी जाएंगे करने खुले खर्चे जितने कितने रुपए गाना बताई बार खुले खर्चे कितने पैसे चाहिए तुझे ना चाहिए मुझे भाई टूट गया ना इसके पैसे भी देने पड़ेंगे, टूटा का कप घर ले जाते कैसा लगे, टूटा हुआ कप भी लेके जाना पड़ेगा, ऐसी बेइज्जती भी रहेगी ना, छह कप नहीं पांच तो होने चाहिए थे यार, पांच छह सेट है, 50-100 रुपए मिल जाएगा हमारे तेरी बात ये ना, क्या ये तो है, बताने लायक भी तो तेरी बात बताने लायक ही नहीं है तेरी, चल अभी तो निकालती करेंगे, अब जब तेरी जावा चिप आएगी, जावा चिप घर में चाय नहीं पीता ढंग से, जावा चिप बुलेट मत कह दियो भाई, जावा बाइक ले लियो एक मिनट मैम, या अले भाई आ गई तेरी इस मॉल के लिए पैसे ना आते भाई, हम यही 940 पैसे ना आते हम तो भाई, ये भाई मेरा बर्गर है, मैंने बर्गर मंगाया है, बर्गर ये करण भाई की है, देखो नाम करण ईश्वर नहीं लाया भाई, मैं कितनी बार कॉफी पी है, 10 बार से ज्यादा नहीं पियोगी आप, 10 बार से दिल्ली ना आया तो दिल्ली ना आया तो इसमें भाई बर्फ ही बर्फ है और कुछ नहीं, कुछ नहीं मेरे में तो फ्री कॉफी दे वाले, हां क्योंकि मैंने कोल्ड कॉफी मंगाई थी, इनने पता नहीं नए ड्रामे जावा चिप्स, खैर एक बात हूँ बनाते हैं अच्छी, इनको बनानी बनवानी नहीं आती, इन्हें बस एक ही चीज़ पता जावा चिप्स बस
तो अब हमने पी लिया है, खा लिया है, अब हम जा रहे हैं गेम वेम खेलना है। नहीं टाइम हो गया है गेम खेलना, चलो भाई। तो हम सोच रहे हैं कि ऊपर जाकर बॉलिंग बॉलिंग तो हाथ में नोट आओ। चलो चलो भाई अब देखते हैं बॉलिंग। अरे लो भाईयो गेमिंग जोन में ऋतिक भाई अपना फुल टसन में, तुम्हारा भाई भी अब चलाएगा। देखो लो भाई यहाँ लगाया कार्ड, आइए चालू स्टार्ट। चल भाई स्टार्ट हो रही है अपनी गाड़ी और हम रेडी हैं। क्या करना पड़ेगा इसके लिए, प्रेस, ठीक है भाईयो रुक जाओ क्योंकि स्टार्ट। और ये मॉडल सिंगल प्लेयर मेरा फोटो आया भाई का, नॉर्मल हार्ड नॉर्मल कर दे। चलो फोटो खींच देना, रेस भाइयों मेरी है। वैसे डबल प्लेयर होते तो अगर तू मुझे लगता तू आ सकता था मेरे साथ। चलने भाइयों मैं लेने अपना फुल आ गया भाई जा रहा भाई सिस्टम। ओ मैंने ना भाइयों चला लूं पहले उसके बाद बात करता हूँ। ले आ भैया देख रहे हो, चलो भाई अभी करते हैं बात, जरा इसी पे गेम खेल लूं। देख रहे हो भाई विन सिस्टम है, क्या मान रहे हो। चलो भाई कंटिन्यू नहीं करना और कुछ खेलेंगे, आओ भाई इतने सारे गेम है आओ और कुछ खेलते हैं। चलो भाई तो भाई आज हम बहुत दिनों से आ रहे थे लेकिन मिला नहीं था। उतारो जूते, सॉक्स तो उतारने पड़ेंगे या नहीं? नहीं 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 जूते उतारने भाइयों 400 पर पर्सन है, किसी को आना हो रिचार्ज वहाँ से होगा और 10 राउंड मिलेंगे तो अब चल रहे हैं करते हैं बात। चलो कहन भाई ले भाई कहन भाई डाल दी और ये नाइस ट्राई कहन भाई। मेरी बारी है भाई ने बोल तुम्हारा यार। है भाई क्या तुझे गिनना नहीं है ऋतिक भाई ने भी एक्स मार दिया स्कोर बोर्ड। चलो भाई अब जरा खेलते हैं, तुम्हें देख तो लिया होगा सिस्टम। ऐप देखो ऋतिक करण भाई दोबारा डाल ले, हंसना नहीं चाहिए करण तेरे ऊपर यार। फिर नकली नाली में। चलो भाई अब खेलते हैं उसके बाद, ठीक है भाई करते बाद में बात। भाई स्कोर देख लो ऋतिक मेरा इसका देख लो, मैं कह रहा हूँ इसने यो इस चीज में लिखा पता क्या गटर बोल देख। मैं कह रहा हूँ कहाँ का फेंक रहा, अब आ गया वो थोड़ी टसन में। एक रह गई चलो कोई दिक्कत नहीं आएगी अभी इसकी चांस क्या नहीं आने की, हम जाने की मेरी चांस है भाई। स्कोर दिखाऊंगा तुम्हें आखिरी में। चलो लो भाई हो ऋतिक भाई जीत गए मेरे से 4 पॉइंट है करण को देखो, ठीक है स्कोर बोर्ड है ये हमारा। चलो भाई हो तेरे से बड़े बच्चे हैं बालक, एक बालक की वो दिखा दूँ मैं, एक मिनट उठ जाओ बालक अभी वो कर रहे हैं, ठीक है हैं। हाँ मार तू तो मार सकता है तेरे पास है। चल चल चलो कोई नहीं। तो भाई हो आ गए अपना भाई भी आ लिया, हम लेट हो गए, आ रहा है अभी सुनाएगा आके मैं खड़ा। ओ या आ गए मनु भाई आ गए बैठे। अरे जदूरा जगह वगा ना नू कह रहा, चल ऐसी कह रहे हैं लो ऋतिक भाई ये दिलवा दो मुझे बस। तुम्हारे तुम्हारे भाई 10-15 लाख रुपए की है, ज्यादा ना इतनी बड़ी बस ऋतिक भाई पीते पाते नहीं हम, बस देते हैं लोगों को। लो भाई हो हनी भाई की गाड़ी खड़ी, हनी शर्मा फुल हम गए सेक्टर 31 की मार्केट आए थे, देखा तो हनी शर्मा मिल गए भाई ये यहाँ पे अंदर खड़े होंगे देखो 82-85। हाँ बताओ रहते भाई भाई जाने से पहले हम क्या कर रहे हैं, मनु भाई को दे दिया, मनु भाई को खड़े दिखा दिया रात से चोरी
खुद तो राजा बन नहीं पाया इसलिए रात कचोरी खा रहा। मुझे पता तो मुझसे मजाक करना है। ले भैया भाई रात कचोरी खा रहे हैं और उसके बाद भाई निकल रहे हम घर। ठीक है जाम बहुत मिलेगा रास्ते में। आज का व्लॉग हमारा पूरा हो गया। बस पूरा हो गया आप समझ लो। भाई आ गए हैं मनु भाई। मनु भाई जय अब्बा की। चलो भाई हैं कैसा बढ़िया। चलो भाई रात कचोरी खाई कहन भाई ने। ए भाई टोरा कहन भाई का ये भी खा रहा अब मैं भी खाऊंगा। तीनों लग गए एक रात के चोरी भी खा रहा हूं। भाई हनी शर्मा। भाई हनी शर्मा की गाड़ी खड़ी थी उनकी वाइफ बैठी थी वो नहीं था भाई। ठीक है तो अब मिले नहीं इसलिए पर हाँ सही में हमें ना मिलता भाई कोई भी तुम्हारी। मुझे ना एक चीज का बुरा लगा था। क्या एलवेस से मीटअप मैंने बुलाया। चलो जो भी था तो खैर ठीक है जैसे भी हुआ पर भाई है वो। ठीक है तो हम जा रहे हैं घर। अरे वो सब ठीक है और भाइयों वीडियो को लाइक लेकिन बुलाया क्यों नहीं ये नहीं समझ में आया। कमेंट चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है भाई मिलते हैं। हेट फैलाने वाले काम है दूसरी पार्टी का। अब हम चलते हैं कटारिया। सब मैनेज कर रहा था कटारिया की गलती है बुलाना चाहिए था यार। है ये बात है भाई कटारिया जी तुम्हें बुलाना चाहिए था तुमने बुलाया नहीं भाई को हमारे। अपने ब्लॉग में भी बोल लगती है बात। हनी शर्मा ने पता नहीं भूल गया क्या हुआ भाई। भूले नहीं भाई तेरे को देखो ये तो ये तुम्हारे हाल लगा रहा है। एक बार बता मुझे सबको बुलाया इसे ही क्यों नहीं बुलाया क्या दुश्मनी है। ये बात तो है क्या पर भाइयों कुछ होगी वो अंदर की बात है कुछ नहीं बताना चाह रहे हो भाई। ठीक है पर कुछ नहीं है सब दिखावे की। ठीक है भाई चलते हैं अब हम उसके बाद बात करेंगे। अभी हम जा रहे हैं मेरठ।